हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? चलिए, आई होप हमेशा पूछ लेती हूँ कि कैसे हैं और आंसर दे देती हूँ. शायद सब कुछ अच्छे से, पढ़ाई जो है चल रही है तो अच्छे ही होंगे. नीट 2020 की प्रिपरेशन में हम सब बहुत ही जोरों शोरों से लगे हैं. देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन, यानी कि हम उन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम ये बोलते हैं कि जिनकी क्वांटिटी जो है वो किसी भी, हम ये बोल देते हैं कि जैसे कि प्लांट्स हैं तो उनकी नॉर्मल ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, और उनकी वजह से अगर उनकी हम ये बोलते हैं कि उनकी क्वांटिटी अगर कम हो या फिर उनकी क्वांटिटी जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसकी वजह से जो है हम ये बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी या फिर टॉक्सिसिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है. तो मिनरल न्यूट्रिशन जो है इसमें हम लोग वही सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन का. देखिए, एक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो कि 1860 में जूलियस ने हमें दी, जिस टेक्निक को यूज करके हमें समझ में आता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो प्लांट की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट जिसकी रहती है और कितनी मात्रा में उसकी रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, और उसी के साथ में हमें सबका अलग अलग रोल जो होता है, जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे कि 105 हमें बोल रहे हैं कि जितने भी नोन एलिमेंट्स है उसमें से 60 ऐसे हैं जो कि हम बोलते हैं कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट रहती है. तो वो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम मिनरल्स बोल रहे हैं, वो मिनरल एलिमेंट्स जिनकी हमें बोलते हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो कितनी क्वांटिटी में उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, किस फॉर्म के अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, और फिर वो अगर बाय उनकी अगर हमें बोलते हैं कि डेफिशिएंसी हो जाए उनकी, अगर उनकी क्वांटिटी जितनी चाहिए यानी उनकी जो क्रिटिकल हम बोलते हैं कि एक स्केल अगर हम माने कि इतनी क्वांटिटी उनको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए होती है किसी भी एलिमेंट की जिससे उसकी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, अगर उससे कम अगर होगा तो क्वांटिटी अगर होगी तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी की वजह से कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि क्लोरोसिस है डेवलप हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो कुछ हमें बोलते टिश्यूज जो है हमें बोल देते कि उन वो डैमेज हो जाते हैं. क्लोरोसिस का मतलब हुआ कि येलोइश जो होती है वो लीव्स जो है प्लांट्स के पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल जो है उसकी हमें बोलते प्रॉपर क्वांटिटी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस भी फिर प्रॉपर नहीं होता है, राइट? तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर क्रिटिकल अमाउंट से कम अगर हो अगर कोई एलिमेंट तो उसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी डेवलप होगी, अगर क्वांटिटी जितनी उनकी चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उससे ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी, किस तरह की टॉक्सिसिटी जो है वो डेवलप होगी. तो यही चीजें कि प्लांट के लिए एलिमेंट्स जो है, ये मिनरल जो है, इनकी क्या इनका रोल है उसको जानने में बहुत बड़ी हमें हेल्प मिलती है इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक से. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक है क्या. देखिए, हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो है उसके अंदर क्या होता है, किसने इसको डिस्कवर किया, तो 1860 के अंदर जूलियस वॉन्सैक ने इसको डिस्कवर किया. ये है क्या, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग प्लांट जो होता है उसको ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल. हमने विदाउट सॉइल वर्ड यूज किया बट विदाउट मिनरल्स नहीं बोला है, यानी कि प्लांट्स को हम वो सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं, वो मीडियम प्रोवाइड करते हैं, बस उसमें सॉइल नहीं होती. वो सभी चीजों का मतलब हो गया वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, मिनरल न्यूट्रिशन जो है हम ये बोल रहे हैं कि मिनरल्स जो हैं, जितने भी मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हम डिसाइड करते हैं. ठीक है, कि किसी को हमने मान लिया कि कुछ मिलीग्राम के अंदर हमने दिया, देन हमें पता चला कि अभी भी इतना मिलीग्राम, अगर मान लीजिए कि 10 मिलीग्राम हमने दिया और हमें लगा कि ये पर्टिकुलर मिनरल जो है इसको 10 मिलीग्राम दिया तब भी प्लांट की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही, तो हमने उसकी कंसंट्रेशन को फिर चेंज किया. यानी हाइड्रोपोनिक टेक्निक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर मिनरल्स जो हैं वो, और हम ये बोलते हैं वाटर जो कि मेन रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वाटर के अंदर उसको ग्रो किया जाता है, वाटर के अंदर ग्रो किया जाता है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि मिनरल्स होते हैं, और वो भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है अकॉर्डिंग टू अस, कि वो हम डिसाइड करते हैं कि हम किस कंसंट्रेशन में उनको देंगे. उस फिर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मान लीजिए जितने भी हमने डिसाइड की और वो हमने दी, उसकी वजह से क्या उनके अंदर अभी चेंज आया, क्या रोल उनका रहा, कि भाई उनमें डेफिशिएंसी हुई या फिर नॉर्मल ग्रोथ शो की या फिर टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई, तो वो हम चेक करते हैं. तो उससे हमें एक चीज पता चल जाती है कि कौन सा मिनरल जो है वो किस क्वांटिटी में जो है प्लांट्स को चाहिए होता है, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम डेवलप होते हैं और उसकी टॉक्सिसिटी से क्या सिम्टम डेवलप होते हैं, राइट? तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक आखिर है क्या, वो टेक्निक जिसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर
कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ द सॉइल, हाइड्रो वर्ड आ रहा है ना वहीं से समझ जाइए, हाइड्रो, हाइड्रो का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि वाटर के अंदर हमने मिनरल्स को दिया है डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन में और उसमें प्लांट को ग्रो किया है, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक, जो कि किसने डिस्कवर की थी, जूलियस वॉन सेक ने। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए नाउ, हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो है वो किस काम में आती है, अगर हम नॉर्मली हम एक बोलते ना वन वर्ड के अंदर अगर उस चीज को समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं है ना वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी एलिमेंट्स हैं, तो उनकी एसेंशियलिटी का जो है वो हमें पता चलता है, उनका रोल क्या रहता है ग्रोथ के अंदर, कि उनकी वजह से पर्टिकुलरली प्लांट के अंदर क्या चेंज आए, यानी उनका किस क्या चीज किया उन्होंने मेटाबॉलिज्म के अंदर, कौन से मेटाबॉलिज्म में उन्होंने पार्ट लिया, या फिर कौन सा हम बोलते हैं कि किस तरह की रिएक्शंस उन्होंने करवाई, किस तरह के सिम्टम्स उन्होंने डेवलप करवाए, एक तो रोल हमें पता चला और दूसरा एसेंशियलिटी पता चली, क्योंकि उसकी किस कितनी क्वांटिटी प्लांट को चाहिए होती है ये भी हमें समझ आती है, राइट। तो रोल एंड एसेंशियलिटी जो होती है किसी एलिमेंट की वो हमें पता चलती है। यहां पर बेटा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, इसीलिए आपको लिखा है डायरेक्टली। चलिए इसी के अलावा जो ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक है इसका यूज किया जाता है किसके अंदर यूज किया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन में। किनके कमर्शियल प्रोडक्शन में, टमेटोज के, कुकुम्बर के, सीडलेस कुकुम्बर के एंड लेट्यूस, ठीक है, सलाद के पत्ते जो आते हैं, तो उन सब के कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर जो है इनको यूज किया जाता है, यानी हाइड्रोपोनिक टेक्निक से हम प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है अभी उसको समझते हैं, अभी तक तो हमने छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने देख ली, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है इसी से आप समझ सकते हो। देखिए हम लोगों ने एक पोट लिया है ना, एक हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमने ग्लास का जार या फिर हमने एक हमें बर्तन लेना है जिसके अंदर प्लांट को ग्रो करना है, ठीक है, वो उसी के अंदर आपने क्या किया है हम बोल रहे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है उसको रखा है, अब जितने भी पोषक पदार्थ है उनको सॉल्यूशन फॉर्म में रखा है, क्योंकि एक्चुअल में वाटर जो होता है वो प्लांट्स जो है अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्व करते हैं, और जो वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं उसी में डिजॉल्व जो मिनरल्स होते हैं वो भी प्लांट के अंदर जाते हैं, तो जो प्लांट्स के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि उनके अंदर जाने का रास्ता यही है, एंट्री यहीं से मिलती है, रूट से एंट्री मिल रही है उनको, तो इस वजह से हमने उसको सॉल्यूशन फॉर्म में क्या है अवेलेबल करवाया है वाटर के अंदर, राइट। फिर देखिए उस प्लांट को एरेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो एक हम ये बोलते हैं कि कम क्वांटिटी में मतलब एरेशन जो है वो भी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि विदाउट हम ये बोल सकते हैं कि एयर जो है वो भी प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा ये फनल है जिस फनल के थ्रू हम कंसंट्रेशन डिसाइड करते हैं, कि हो सकता है मे बी हमने पहले 10 मिलीग्राम कुछ दिया है अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, मान लीजिए कोई भी है जैसे कैल्शियम दिया है, या फिर हमने मान लीजिए मैग्नीशियम हम लोगों ने दिया है, तो वो कैल्शियम या मैग्नीशियम दिया है, देन फिर हमें लगा कि नहीं अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उनका शो नहीं हो पा रहा है, प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा, तो हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया। समटाइम ऐसा भी होता है कि वो ग्रोथ शो कर रहे थे फिर भी जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती, तो वो हमें पता चल जाता है डेफिशिएंसी लंबे टाइम तक अगर डेवलप हो रही है उस एलिमेंट की तो उस वजह से कौन से सिम्टम डेवलप हो रहे हैं वो भी हमें पता चल जाते हैं इस टेक्निक के थ्रू। तो ये है हाइड्रोपोनिक टेक्निक, ठीक है। अभी देखिए इससे रिलेटेड एक और आपको डायग्राम जो है वो मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें देखोगे क्या है ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है इसको पंप के थ्रू प्लांट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड देन प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं और यहीं से एक्स्ट्रा वाटर वापस ग्रेविटी की वजह से इस हम बोलते हैं कंटेनर जहां पे पंप लगा है वहां पर वापस आ जाता है। अगर आप इन प्लांट्स के अंदर देखोगे तो इनकी रूट जो है ना रूट की जो उनका हम बोलते हैं कि डायरेक्शन जो होगा वो भी इस वाटर के एक तरफ ही होगा। रीजन वो जिधर हम बोलते हैं ना कि वो पानी होता है जिधर ज्यादा उधर से ही वो क्या होती है रूट जो है उनका डेवलपमेंट रहता है उधर ही वो ज्यादा ग्रो करती है। तो ये देखिए रूट का जो हम बोलते हैं ना कि जो है इनका डायरेक्शन वो भी उसी डायरेक्शन में है जिधर वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोपोनिक टेक्निक, क्लियर। आपके एनसीईआरटी के अंदर यही सब चीजें मेंशन है और यहीं से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए वही एडवांटेज लिखे, एडवांटेज तो क्या है, एक तो वीड्स जो है वो यहाँ पर इनको परेशान नहीं करती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ये खरपतवार जो होती है ये प्लांट्स को खराब कर देती है, राइट। दूसरा पीएच एंड एयर जो है ये भी रेगुलेट हम खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हमने बनाया है अब हमारे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसकी पीएच जो है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पीएच रहने वाली है, और एयर बिल्कुल एरेशन भी हम बाहर से दे रहे हैं तो वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि उसको हम आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि किस क्वांटिटी में कितना देना है वो भी चीज़ हम इसके थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि एडवांटेज है हमारे हाइड्रोपोनिक टेक्निक के, अगर सॉइल के अंदर अगर ऐसा होगा
तो वो जो हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सॉइल के अंदर हम मिनरल जो है उनकी क्वांटिटी जो है उसको रेगुलेट हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी देखिए एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स, कि कोई भी मिनरल जो है वो एसेंशियल है, ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? अभी देखिए डिसाइड ऐसे होगा कि जो भी एलिमेंट है वो एसेंशियल तब कहलाएगा जब कि वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है किसके अंदर, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के अंदर। देखिए ये जरूरी है, तो कोई भी एलिमेंट एसेंशियल है ये हमें कैसे पता चल रहा है? अगर वो जो है किसी भी प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ करवा रहा है और उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में उनके लाइफ साइकिल जो है उसके लिए, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल की क्या है रिक्वायरमेंट रहती है कि वो पूरी अपनी ग्रोथ शो करे एंड देन रिप्रोडक्शन करे, तभी वो फेज क्या होगी, वो साइकिल आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मिनरल एसेंशियल है ये इसी चीज पे डिसाइड होता है। अगर अब्सेंस हो वो पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसकी वजह से प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यस वो एलिमेंट जो है वो क्या है, एसेंशियल है, ठीक है। इसी के साथ में देखिए कोई भी एलिमेंट जो है वो हमेशा किसी भी फंक्शन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, यानी कि हर एलिमेंट जो है उसका काम जो है, रोल जो है वो फिक्स है। जैसे कि फॉर द मैग्नीशियम, मान लीजिए कि मैग्नीशियम जो है वो एक्चुअल में कुछ हमें बोलते हैं कि सेल जो होती है सेल के अंदर जो ग्लाइकोसिस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहा होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे वो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनके लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है, राइट। तो वो एंजाइम जो है वो क्या, वो उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए क्या हो गया, कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब वो उसको एक्टिवेट कर रहा है। अभी एक्टिवेट कर रहा है, अगर वो नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो एंजाइम जो है फंक्शनल नहीं रहेगा और वो प्रोसेस भी आगे नहीं होगा, राइट। तो हमेशा क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट जो एसेंशियल होता है वो हमेशा अपने काम के लिए स्पेसिफिक होता है और उसको कोई दूसरा जो है वो रिप्लेस नहीं कर पाता, दूसरा कोई रिप्लेस नहीं करेगा। तभी तो क्या होगा, अगर वो एलिमेंट प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर नहीं मिल रहा होगा तभी क्या होगा, हम ये बोलते हैं कि पता चलेगा कि हाँ भाई इसकी वजह से डेफिशिएंसी हुई है। तो ये हमें तभी समझ में आ सकती है। तो एसेंशियल है कोई एलिमेंट तो उसके साथ में ये कंडीशन जो है वो रहेगी कि वो उसके जो एलिमेंट है वो हमेशा स्पेसिफिक रहेगा अपने काम के लिए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा स्पेसिफिक रहेगी। चलिए तो ये हो गई दो बातें, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए द एलिमेंट जो है मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर होने वाले कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कैटाबोलिज्म हो या एनाबोलिज्म, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। रीजन ये क्योंकि वो क्या करेगा, अगर वो अब्सेंट होगा तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, इंटरप्ट कर देगा उस मेटाबोलिक एक्टिविटी को, और जब वो मेटाबोलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगी, डेफिशियंसी जो है वो डेवलप होगी, राइट। तो एसेंशियल है वो मिनरल, वो कब डिसाइड हुआ, इसी तरीके से तो डिसाइड हुआ ना कि हमने बोला भाई बहुत जरूरी है ये काम, तो ये कर ही नहीं पाएगा। फॉर द एग्जाम्पल के लिए कि आप नीट का पेपर देने के लिए जा रहे हैं और अगर आप ही नहीं होंगे तो नीट का पेपर देगा कौन, क्योंकि आप क्या है, स्पेसिफिक भी है और हम ये बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डायरेक्टली जो है उस एग्जाम को लिखने के लिए आप ही जा सकते हैं, आपकी जगह कोई और जो है वो वहां पे नहीं जा सकता, तो आपकी रिक्वायरमेंट मस्ट है, तभी तो एसेंशियल जो रहे आप नीट के पेपर देने के लिए, आपका नीट का पेपर देने के लिए। तो वैसे ये एलिमेंट भी जो है डायरेक्टली जब इन्वॉल्व रहेंगे मेटाबॉलिज्म के साथ में, अगर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होंगे तो वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी और डेफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। आपके केस में जैसे कि आप नीट का पेपर देने नहीं गए तो क्या हो जाएगा, आप अब्सेंट मार्क कर दिए जाएंगे और आपका स्कोर ही नहीं आएगा, आप नीट सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। चलिए लैक ऑफ द एलिमेंट मस्ट शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स विच कैन बी करेक्टेड बाय द सप्लीमेंटिंग द एलिमेंट। बिल्कुल, अब ये कंडीशन हो सकती है कि अगर उसकी वजह से डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है एसेंशियल एलिमेंट की वजह से, तो उसी को फिर प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोवाइड कर हम क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर उसी एलिमेंट को ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एलिमेंट जो है वो एसेंशियल है, इसी चीज से हमें पता चलता है। अभी देखिए जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। टोटल ये कितने होते हैं, टोटल ये होते हैं 17, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको एज इट इज ऐसे ही इसको लर्न करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, देन आपको आंसर करना होगा कि 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से मैक्रो एंड माइक्रो दो हमारे पास में पार्ट है, ठीक है। मैक्रो वर्ड आता है तो वहीं से समझ जाते हैं कि लार्ज है ना। अभी देखिए लार्ज क्या हो सकता है, लार्ज का मतलब ये हो गया वो एलिमेंट्स, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है उनको हम बोलते हैं मैक्रो। अभी हमें साइज से रिलेशन नहीं है, साइज के ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, तो हर बार देखिए मैं उसकी मात्रा जो है, उसकी कंसंट्रेशन जो है कि वो किस क्वांटिटी में लिया जाएगा, इस बात पर ही बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ कोई मॉलिक्यूल के साइज के बारे में बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो लार्ज अमाउंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको हम बोलते हैं मैक्रो,
ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर कितनी क्वांटिटी फिर होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर इन इस क्वांटिटी के अंदर। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं। मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये सभी मैक्रो हैं। अभी इससे इससे समझ जाइए। देखिए कार्बन सबसे ज्यादा है, बिल्कुल। आप अगर कोई भी टिश्यू है उसका ड्राई अगर हम उसमें निकालेंगे मैटर में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वैसे सबसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि बायो मॉलिक्यूल जो है, हमने इससे पहले जो पढ़े थे जिसके अंदर आपको पता है कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट थे, चाहे वो लिपिड थे, चाहे वो प्रोटीन थे, अगर बेसिकली अगर आप उसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा होता है उसके अंदर? कार्बन ही होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसमें। कभी कभी नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि अमीनो एसिड के केस में उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो उसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यानी कि नाइट्रोजन भी जो है वो किस में चाहिए, वो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि अमोनिया बनेंगे, अमीनो एसिड बनेंगे और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे, तो सब में ही क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन भी क्या हुआ, आपका मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर आ गया, ठीक है। फॉस्फोरस, आप जानते हैं हमारी मेन करेंसी जो है, एनर्जी सोर्स जो है, हमें जो है वो कौन है, हमारा एटीपी। और एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी वहां पर क्या है, फॉस्फोरस है। और एटीपी की वजह से ही हम सारे काम जो है हम कर पा रहे हैं। वैसे ही आप इमेजिन करिए प्लांट जो है उनके अंदर भी क्या होगा, उनमें भी एनर्जी का सोर्स वही है। सेल के अंदर एनर्जी सोर्स क्या होता है, एटीपी तो होता है, तो सेल के अंदर एनर्जी सोर्स एटीपी है। वहीं से आपको याद रह सकता है कि फॉस्फोरस भी क्या हुआ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आया। इसी के साथ में अगर आप लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करोगे, तो वहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सब में क्या है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो अगेन ये क्या हो गया, हम ये बोल रहे हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। मैग्नीशियम भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स है, क्योंकि हमारी हम सेल के अंदर अगर बात करें, तो सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है वो सभी एंजाइम मेडिएट होती है। तो उनमें एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो, तो उसके लिए उनको कुछ को फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहां को फैक्टर की तरह फंक्शन करते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये तीनों ही जो है वही हम ये बोल रहे हैं कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इसी वजह से आते हैं। पोटेशियम आप जानते हैं, पोटेशियम की वजह से प्लांट्स के अंदर हम बोलते हैं जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो डिसाइड होती है। पोटेशियम जो है ओस्मो हम बोलते हैं कि रेगुलरिटी जो है वो किसी भी सेल के अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम भी क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो देखिए, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल वाटर जो है ये फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हम बोल रहे हैं कि कहाँ से जो है ये मिलते हैं हमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका मेन सोर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, देन उसको फिक्स करते हैं, देन फूड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनका मेन सोर्स हो गया। दूसरा, ये रूट्स के थ्रू वाटर को ले रहे हैं, तो वाटर के थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एलिमेंट है इनको मिल रहे हैं। यानी कि ये भी क्या है आपके, इनके हम ये बोल रहे हैं मेन सोर्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम ये बोल रहे हैं कि वाटर जो है ये सॉइल के थ्रू लेता है, और बाकी जितने भी हैं वो भी उनके भी लेने के तरीके उनके अलग अलग होते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर क्या हो जाए, हम बोलते हैं स्लाइटली एक्सेस, थोड़ा सा भी अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ दी जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी जो है वो डेवलप हो सकती है, टॉक्सिस, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो भी प्लांट बॉडी होती है उसके प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उसका मेन हम बोल सकते हैं कि पार्ट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। चलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो 8 है, और इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होती है, तो ट्रेस एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो। इनकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, इससे कम चाहिए। इससे ज्यादा चाहिए तो देन कौन हुआ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इससे कम चाहिए तो वो कौन से हुए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो में कौन कौन आ जाते हैं, आयरन, क्लोरीन, निकल, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन एंड कॉपर, ये सभी के सभी कोफैक्टर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अभी देखिए इनकी वजह से अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है अगर बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, वही टॉक्सिसिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। और बेसिकली ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई, और यहीं से बनता है आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिए ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर अगर आप देखोगे तो आपको यही एलिमेंट्स जो है वो किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व किए जाते हैं, फिर इनका क्या रोल है, ये क्या काम करते हैं वो, और देन फिर रोल के बाद में कि इनकी कमी से क्या जो डेफिशिएंसी है उनकी वजह से कौन सी सिम्टम डेवलप होते हैं, या फिर इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या सिम्टम डेवलप होते हैं। तो यही सब चीजें जो है वो इस पूरे चैप्टर के अंदर मेंशन है। तो वन बाय वन ये जितने भी एलिमेंट्स हैं
इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है, किस तरह से ये काम करें उस आधार पर, ठीक है। तो देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। किसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट, वो एलिमेंट्स जो बायोमोलिक्यूल फॉर्म करते होंगे। अब बायोमोलिक्यूल फॉर्म करने का मतलब हुआ अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, इन सभी को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट। तो ये है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी आपको पता है किस किस में प्रेजेंट है, अमीनो एसिड में, क्लोरोफिल में, तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी बायोलॉजी चैप्टर क्या है ना, बायोलॉजी जो है जितने भी उनमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, हर लाइन पे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये इसीलिए बोला गया है कि एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि पेपर भी उसी से आता है, तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है आप लोगों के लिए। तो कौन कौन से एलिमेंट किस किस के स्ट्रक्चरल, किसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं तो ये आपको पता है। जैसे कार्बन तो सभी का करता है, हाइड्रोजन भी सभी में आते हैं, ऑक्सीजन देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में, न्यूक्लिक एसिड में, फैट्स में, प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी होगी क्योंकि इनसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स वो सभी जो कि हम ये बोल रहे हैं कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी रिलेटेड, यानी एनर्जी से रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट जो है ये सेकंड कैटेगरी आ गई। अब इनमें कौन आता है, एक तो फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस आ रहा है क्यों, क्योंकि एटीपी जो है वो बना रहा है वो, तो फॉस्फोरस इसी में से एक है। और इसी के साथ में दूसरा आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो एक्चुअल में क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो एक्चुअल में फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये रिलेटेड हो गया ना विद द एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स, ठीक है ना। तो याद रखिए, तो मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी। नाउ थर्ड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट जो कि किसी भी एंजाइम को या तो उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं या फिर उसको इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं, यानी कि उसके जब हम बोलते हैं कि एपो एंजाइम के साथ जुड़कर वो होलो एंजाइम बनाएंगे तो उस कंडीशन में तो वो एक्टिवेट करेंगे, और इनहिबिट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, या तो ये प्रेजेंट ही ना हो तो इनएक्टिव रह जाएंगे, या फिर ये हम ये बोल सकते हैं कि किसी एंजाइम से जुड़कर उसको उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, राइट। तो ये काम भी वो कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो रुबिस्को और पेपकेस, ये दोनों ही जो एंजाइम है इन दोनों के लिए एक्टिवेटर है। आपको मालूम है दोनों ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के अंदर रुबिस्को सबसे पहले हमें चाहिए ही चाहिए, पेपकेस चाहिए, तो ये दोनों ही जो है वो क्या है, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, फंक्शनल रहते हैं, तो ये एक्टिवेशन का काम किया है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, जिंक जो है अल्कोहल डिहाइड्रेजिनेज एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि मॉलिब्डेनम जो है वो एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी या तो कोफैक्टर की तरह काम ही कर रहे हैं, बट ये इनहिबिटर की तरह भी काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट्स जो एक्टिवेटर और इनहिबिटर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये होगी थर्ड कैटेगरी। नाउ द फोर्थ कैटेगरी में वो सभी आ जाएंगे जो कि ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे किसी भी सेल की, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होती है वो मेंटेन करते हैं किसी सेल के अंदर, उनको हम क्या बोल रहे हैं, एक हम बोल रहे हैं फोर्थ कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। अब ये कौन से आ जाते हैं, तो पोटेशियम जो है वो मेन है, मैंने आपको पहले भी बोला कि पोटेशियम जो होते हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये टर्गिडिटी जो होती है, हमें बोलते हैं जो उनकी गार्ड सेल्स जो हैं और उनके अंदर वो टर्गिडिटी जो होती है उसको मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, पोटेशियम जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हमारी फोर्थ कैटेगरी क्या हो गई, वो जो ऑस्मो रेगुलरिटी और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। तो हमारे पास में इस तरीके से हम किस तरह के मिनरल्स काम कर रहे हैं उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि इनकी चार कैटेगरीज में इन सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यूं तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट चूंकि एनसीईआरटी ने 2-3 एग्जांपल लिखकर ही आपको मेंशन किया है, सारे एग्जांपल इन पॉइंट्स में नहीं दिए, तो याद रखिए यहां से किसी लाइन पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं के बारे में बनेगा, इसके अलावा किसी और चीज पे नहीं बन सकता, ठीक है। तो याद रखिए, ये चार कैटेगरीज है और इन चारों में जो एग्जांपल दिए वो भी आपको लर्न कर लें। चलिए, अब ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है जो अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, प्रोटीन से एंजाइम बन रहे हैं. यानी कि नाइट्रोजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा. कौन से मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होंगे भाई? अमीनो एसिड फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन एंड हमें बोले एंजाइम फॉर्मेशन. तो सभी काम जो है इसकी वजह से क्या हो रहे हैं? इफेक्ट हो गए. अभी देखिए किस फॉर्म में नाइट्रोजन जो है उसको हम ये बोल रहे हैं कि एब्जॉर्ब किया जाता है. तो देखिए मेनली जो है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है किस फॉर्म के अंदर? नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म के अंदर इनको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है. अमोनियम आयन के फॉर्म में भी इनको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है. तो इनको नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन्स जो है इन इस फॉर्म के अंदर इनको एब्जॉर्ब किया जाता है. तो यहां से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं बायोलॉजी में. अगर आप देखेंगे कि कौन से आयन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया प्रोटीन फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन, विटामिन, हॉर्मोन्स, ये सभी जो है इन सबका फॉर्मेशन का काम कौन कर रहा है? आपका नाइट्रोजन कर रहा है. यानी कि मेन हो गया ये एलिमेंट. ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है? मैक्रो एलिमेंट्स है, ये भी याद रखिए. तो इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या डिजीज होगी? क्लोरोसिस हो जाएगा. क्लोरोसिस का मतलब क्या हो गया? लीफ जो है वो येलोइश हो जाती है, क्लोरोफिल जो है उसकी कमी हो जाती है. इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जो है वो भी रुक जाएगा. ठीक है, और जो फ्लावरिंग है वो भी डिले हो जाती है, ग्रोथ जो है स्टंट रह जाती है. रीजन ये क्योंकि प्रोटीन जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल है, तो वही जो है वो क्या है? नहीं बन पा रहा है इसकी कमी की वजह से. तो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा देखिए विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो भी जो है वो भी इसी की वजह से बन रहे हैं. तो इसकी वजह से जो है सेल डिविजन भी इसीलिए इफेक्ट हो रहा है, फ्लावरिंग डिले हो रही है, ग्रोथ जो है वो भी स्टंट रह जा रही है, ग्रोथ भी जो है वो नहीं हो पा रही है. ठीक है, चलिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को किस फॉर्म में जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा? तो ये सॉइल से लेते हैं H2PO4- एंड HPO4-2. ठीक है, अब ये देखिए इनका काम क्या है, ये किस चीज में रिक्वायर्ड रहते हैं फॉस्फोरस? तो देखिए एक तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, सीड्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, स्टोरेज टिश्यूज, ये सभी जो है इन सबको बनाने में फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें है. क्यों? क्योंकि फॉस्फोलिपिड, उसमें क्या चाहिए? फॉस्फोरस ही तो चाहिए. कुछ हम ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड में आपको बताया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, यानी वहां भी फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है. न्यूक्लियोटाइड में भी है ATP, इसमें भी फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है. तो जितनी भी फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी हो रही है जहां पे भी, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो वहां पे क्या हो रहा होता है? ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर, फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट के अंदर, ये जो ये जितने भी हम ये बोल रहे हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है जहां जहां पर भी, वहां सब जगह फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट रहती है. यानी कि देखिए ग्लाइकोलिसिस जो है वो भी डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से? फॉस्फोरस की वजह से, राइट? तो डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन में देखिए ये कनेक्टेड है, इसीलिए इसको एसेंशियल बोला है. अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? सीड जर्मिनेशन नहीं होगा और पर्पल कलर के स्पोर्ट्स जो है वो लीफ पर डेवलप हो जाते हैं. चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है पोटेशियम. पोटेशियम देखिए, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटेशियम जो है एक्चुअल में ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है वो मेंटेन करने में ये हेल्प कर रहे हैं सेल की टर्गिडिटी को. तो देखिए इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? इसकी रिक्वायरमेंट एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, बर्ड्स में, लीव्स में, रूट टिप के अंदर, जहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वहां पर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा सेल के अंदर एनायन कैटायन बैलेंस जो है वो भी पोटेशियम की वजह से होता है. ठीक है, फिर हम ये बोल रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड द मेंटेनेंस ऑफ टर्गिडिटी ऑफ सेल. तो अभी सेल जो है वो फुली रहे उसमें भी पोटेंशियम काम करते हैं. अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे, तब आप जब हम लोग स्ट्रोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल में पार्ट लिया और कैसे जो पोटेशियम है उसने सेल के अंदर टर्गिडिटी जो है उसको मेंटेन रखी. ठीक है, तो पोटेशियम जो है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है और पोटेशियम की वजह से क्लोरोसिस हो जाएगा, वही क्लोरोफिल की जहां जहां कमी है वहां पे येलोइश हो जाता है पार्ट, प्लांट पार्ट, नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं इसकी वजह से, सेल डिवीजन जो है वो भी इनहिबिट हो जाएगा. फिर देखिए इंटरनोड जो है वो छोटे हो जाते हैं और जो कैम्बियम एक्टिविटीज है वो भी जो है वो नहीं हो पाती. कैम्बियम एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि सेल डिवीजन जो है वो नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो क्या हो रही है? नहीं हो पाएगी.
ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन रोका है तो कैम्बियम की एक्टिविटी भी रुकेगी, तो आप इस तरीके से उन चीजों को याद कर सकते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम को भी जो है वो हम बोल रहे हैं सॉयल जो है वहां से जो है प्राप्त किया जाता है प्लांट में, सॉयल में वही वाटर के साथ डिजोल्व कंडीशन में कैल्शियम जो है उनको मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? कैल्शियम जो है आयनिक आयन फॉर्म में मिल रहा है। रिक्वायरमेंट जो है ये किस किस में रहती है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, डिफरेंशिएट करने के अंदर टिश्यूज के अंदर भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। कैल्शियम एक्चुअल में अगर आप याद करेंगे तो प्लांट के अंदर, हम लोगों ने जब प्लांट सेल पढ़ा तो आपको याद आया होगा कि वहां पे हम लोगों ने प्लांट की सेल वॉल के बारे में पढ़ा, जहां आपको पता है कैल्शियम पेक्टेट की क्या होती है, मिडल लेमिला जो है वो प्रेजेंट रहती है, यानी कि सेल की जो सेल वॉल है प्लांट्स में उसके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं क्योंकि वो सेल डिवीजन करते रहते हैं, तो जितनी बार सेल डिवीजन करेंगे नई सेल्स बनेगी तो वहां पे सेल वॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। और कोई भी सेल जो है फिर वो जब डिफरेंशिएशन करेगी तो आपको मालूम है कि समटाइम वो जब डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है कि वो कुछ और थिकनिंग जो है वो डेवलप कर लेती है, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उनको वहां पे भी रहती है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन में और मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है उनमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि और सेल डिवीजन जो है उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जितने भी इन सब चीजों से रिलेटेड जितने भी हम बोलते हैं कि फंक्शंस हो रहे होंगे प्लांट्स के अंदर वो सभी इफेक्ट हो जाएंगे। चलिए फिर हम कह रहे हैं ये चाहिए इसका माइटोटिक स्पिंडल बनने के टाइम पे जो है इसकी रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम आयंस की, और ये जो हम बोल रहे हैं कि पुरानी पत्तियां होती है उनमें इकट्ठे हो जाते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है उनमें नॉर्मल फंक्शन जो है उसके अंदर कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एमाइलेज एंजाइम और एटीपेज एंजाइम जो है इसके अंदर कोफैक्टर की तरह काम करते हैं कैल्शियम, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो कैल्शियम कौन कौन से एंजाइम के अंदर कोफैक्टर है? नॉर्मली हम लोग कैल्शियम जो है उसको इग्नोर ही कर जाते हैं क्योंकि जिंक, मोलिब्डेनम, निकल इनके बारे में जो है पूछा जाता है, आयरन, कॉपर के बारे में, बट ये जो है हम ध्यान नहीं देते। तो याद रखिए कैल्शियम जो है एमाइलेज के अंदर और एटीपेज के अंदर जो है ये कैल्शियम आयन जो है ये कोफैक्टर की तरह फंक्शन करेंगे। नेक्रोसिस होगा, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे अगर डेफिशिएंसी हुई। ठीक है, और हम ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। सेम नेक्स्ट मैग्नीशियम, तो इस तरीके से देखिए एलिमेंट्स जो हैं जितने भी हैं पढ़ने में और हम यूं लगता है कि रिपीटेटिंग है, बट एक्चुअल में ये एक तरीके से लर्निंग हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि लर्निंग सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो मैं फटाफट से ब्रीफ आपको बता रही हूँ क्योंकि ये हर एलिमेंट का क्या रोल है और फिर वो क्या उसकी वजह से डेफिशिएंसी से क्या कंडीशन सिम्टम डेवलप होगा उसी के बारे में बताया गया है। प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, प्लांट्स में डेफिशिएंसी अगर होगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, या फिर क्या होगा, सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, या फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग जो है वो डिले हो जाएगी, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, आपको क्लोरोसिस जो है वो देखने को मिलता है, ग्रीन जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग जगह पर क्या येलो येलो हो जाती है, येलोइश हो जाती है, पत्तियां जो होती है वो हम ये बोलते हैं कि सिकुड़ जाती है ना, तो मतलब ओल्डर लीफ जैसी लगती है इनकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है प्लांट्स में यही डेवलप हो सकते हैं, हमारे अंदर तो डेफिशिएंसी के लिए बहुत सारी सिम्टम्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कौन से एलिमेंट की वजह से क्लोरोसिस हो रहा है, कौन सी एलिमेंट्स की वजह से नेक्रोसिस हो रहा है, तो ये आपको इसी तरीके से याद भी रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर जो है वो लर्निंग बेसिस में ज्यादा है। अभी जैसे कि मैग्नीशियम है, क्योंकि वैसे देखा जाए ना तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जब हम प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के अंदर हम पूरा की पूरी जो भी प्लांट के अंदर चलने वाली फिजियोलॉजी है, जो भी हम बोले साइकिल्स हो रहे हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहां जहां जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो वहां वैसे वैसे आता रहेगा, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है याद करने का। बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक चार्ट के थ्रू आप लोग याद करें, इसको ध्यान में रखें। अब जैसे कि मैग्नीशियम है, अब जब ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ते हो ना तो कई जगह कई एंजाइम जो है वो मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ही रोल अपना जो है इफेक्ट शो करते हैं। तो देख लिए जैसे कि ये आ गया हेक्सोकाइनेज जो है, पीएफके जो है, ये क्या है, रेस्पिरेशन वाले एंजाइम है जो मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके अलावा भी इनकी रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, इनको वही है ग्रोइंग एरियाज जो होते हैं, स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट। अब क्यों रिक्वायरमेंट हुई, कैसे हुई, देखिए जो ग्रोइंग एरिया होगा उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी। एनर्जी का मतलब ये हो गया कि उनको एनर्जी सोर्स कौन है, उनमें प्रेजेंट वही आपका ग्लूकोज जो है, वही उसी का ब्रेकडाउन होगा जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को वो काम में लेके आएंगे जब उनको कोई किसी पर्टिकुलर बोलते हैं कि फंक्शन को परफॉर्म करना होगा। वो फंक्शन क्या है, वो ग्रोथ है उनकी, और वो ग्रोथ किसकी है, स्टेम की है, लीव्स की है, रूट की है, ये सभी ग्रोथ के लिए उनको एनर्जी चाहिए होगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हुए, ये सारे फंक्शन इफेक्ट हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद में वही फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी इनका इन्वॉल्वमेंट रह रहा है। फिर
डीएनए सिंथेसिस एंड आरएनए सिंथेसिस, इसमें भी मैग्नीशियम जो है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। अभी देखिए अगर आप लोगों को याद हो, प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो जब मैग्नीशियम आयन जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशन बहुत इफेक्ट डालती है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और वो एमआरएनए जब राइबोसोम से जुड़ता है तो राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और जो लार्जर यूनिट होती है वो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए तीनों चीजों को एक साथ ही मेंशन कर दिया, डीएनए आरएनए सिंथेसिस के अंदर भी और प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो भी इसे इन्वॉल्व है। फिर ये रिंग स्ट्रक्चर जो होती है क्लोरोफिल की, उसमें भी क्या है आपके मैग्नीशियम आयन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से देखिए मेन, तो जैसे क्लोरोफिल आया तो वहीं पे याद कर ली, ये मेन है, यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वही देखिए राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कि दोनों यूनिट जुड़ेगी या फिर सेपरेट रहेगी वो मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन में डिपेंड करता है। अब इनकी वजह से होगा क्या, क्लोरोसिस होगा या फिर नेक्रोसिस होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें जो है डेवलप होती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सल्फर, सल्फर को वही सल्फेट जो है आयन के फॉर्म में जो है इनको अब्सॉर्ब किया जाता है। इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ रहती है सल्फर की, देखिए सल्फर जो है एक्चुअल में दो अमीनो एसिड होते हैं, एक तो होता है मिथियोनिन दूसरा होता है सिस्टीन, इन दोनों के अंदर ही सल्फर प्रेजेंट होता है। तो सल्फर जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड जो है उनके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए तो उनकी रिक्वायरमेंट है ही। उसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और यंग लीव्स जो होती है वहां पर भी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब रिक्वायरमेंट का मेन देखिए मिथियोनिन जो है, अब ये बोले किसी भी तरह की प्रोटीन बने है ना, किसी भी तरह की प्रोटीन जब बनेगी तो जो हमारा स्टार्टिंग हम बोलते हैं स्टार्ट कोडोन जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट कोडोन किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। तो मिथियोनिन चाहिएगा तो बनाना होगा तो क्या चाहिएगा, सल्फर तो चाहिएगा क्योंकि उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो देखिए ऑटोमेटिकली हर चीज जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है यंग लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स जो है हम ये बोल रहे हैं विटामिन जैसे कि थायामिन बायोटिन एंड कोएंजाइम ए, इन सभी के अंदर भी क्या है सल्फर की रिक्वायरमेंट रहती है। फेराडॉक्सिन जो है इनके अंदर भी हम ये बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट रहती है। और अनियन जो होता है उसके अंदर सल्फाइड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो एकदम हम बोलते हैं ना कि प्याज जब हम काटते हैं और आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं उसका रीजन क्या है, उसकी रीजन तो सल्फाइड ही है। तो वो भी क्या है प्रेजेंट रहता है किसमें, अनियन के अंदर। तो सल्फर कहाँ प्रेजेंट है, अनियन के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। फेराडॉक्सिन जो है इसके अंदर भी देखिए यहाँ तो वर्ड आता है तो उसी से समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है फेराडॉक्सिन के अंदर भी सल्फर प्रेजेंट होता है। चलिए फिर आ जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, क्लोरोसिस होगा, क्लोरोसिस वही येलोइंग हो जाती है पार्ट, प्लांट पार्ट। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल जो डिवीजन है वो इफेक्ट करेगा, इसकी वजह से फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, एंथोसाइनिन का एक्युमुलेशन हो जाता है इनकी वजह से। और हम ये बोल रहे हैं कि नोड्यूलेशन रिड्यूस, लेग्यूम्स के अंदर नोड्यूलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और टी लीफ के अंदर येलो डिजीज जो होती है उसको डेवलप कर देते हैं सल्फर। तो सल्फर जो है वो कई सारी डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो डेवलप करते हैं प्लांट के अंदर। आयरन जो है जो फेरिक आयन के फॉर्म में जो है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी ये क्या करते हैं आयरन जो है वही देखिए यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है कहाँ पे, ये मैक्रो हम बोल रहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसको सभी जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं उनमें इनकी प्रेजेंस रहती रहती है। अब ये है इनका मेन काम जो है वो क्या होता है कि फेराडॉक्सिन या साइटोक्रोम जो है उसके फॉर्म में होता है। ये एक्चुअल में वो ईटीएस साइकिल के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनका रोल है। अब वो ये करता कौन है, ये फेराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम करते हैं, तो इनका पार्ट जो है वो कौन होते हैं आपके आयरन होते हैं। तो आयरन का मेन काम जो है वो आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर। तो ईटीएस साइकिल के अंदर आप आयरन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपको हमारे एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है और यहीं पे इसको आप मार्क कर लीजिए, इसकी वजह से वही क्लोरोसिस एंड स्टंट ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। तो ये लर्निंग बेसिस में बहुत है चैप्टर, आपको याद करने वाली चीजें बहुत सारी है। मैग्नीज रिक्वायरमेंट रहती है सीड एंड वही लीव्स जो है उनकी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के कई एंजाइम्स है, अभी फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कई सारे एंजाइम्स आएंगे जहां पे मैग्नीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। रेस्पिरेशन के अंदर भी रहती है इनकी रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो ये सब चीजें जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर वही जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन जो है वो निकलता है तो उस टाइम पे भी रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, मैग्नीज की। डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस और जैसे कि वो जो होता है तो उसमें ग्रे स्पेक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जो मटर का है, मटर के अंदर भी क्या होते हैं स्पोर्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो ये मैग्नीज की कमी से हो जाता है। जिंक जो है वो भी सभी ऑलमोस्ट सभी टिश्यूज के अंदर, प्लांट टिश्यूज के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट रहती है।
ये कुछ एंजाइम जो है ना उसके लिए कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, तो उनको आप याद कर लीजिए, जैसे कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है इसके अंदर ये कोफैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर को अगर आप देखेंगे तो कॉपर भी ऐसे ही है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये देखिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इस एंजाइम के अंदर ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये करवाता क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कॉपर के केस में। चलिए नेक्स्ट, बोरोन। बोरोन जो है इसका काम जो है आप ध्यान रखिए, बोरोन जो है ये वही पत्तियों एंड जो हमारे सीड्स है उनके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। ये क्या करते हैं, कैल्शियम जो है वो प्लांट्स के थ्रू लिया जाएगा। ये किस पे डिपेंड रहता है, ये बोरोन के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है ना, ये याद रखिए। तो बोरोन वैसे पॉलन जर्मिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलन जर्मिनेशन जो होता है उसको अपने जर्मिनेशन के लिए बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप वैसे लेबोरेटरी के अंदर भी अगर आप एक बोले कांच की प्लेट ले और उसके ऊपर आप क्या करें बोरोन को रखें, ठीक है ना, और उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स को रखें, तो आप देखेंगे क्या कि बोरोन की प्रेजेंस के अंदर पोलन ट्यूब जो है वो निकल जाती, जो है वो जर्मिनेट हो जाती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बोरोन बेसिकली पोलन के जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, और यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। चलिए इसी के साथ में इनकी वजह से होने वाले सिम्टम्स है, ये लर्निंग बेसिस में है। मोलिब्डेनम क्या काम करता है, मोलिब्डेनम देखिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है इसके लिए कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वही क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का काम क्या है, क्लोरीन जो है सोडियम पोटेशियम पंप जो काम करता है उस पंप के साथ में रोल कर रहा है, कौन, क्लोरीन जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। वही एनायन कैटायन बैलेंस भी करेगा, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप के साथ साथ में क्लोरीन जो है वो भी वहां पे यही काम कर रहा है। और जब ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वहां पे भी क्लोरीन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो और क्लियर आपके माइंड में हो जाएगा, तो अभी आप लर्न करिए इन सब चीजों को। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन जो होती है, जो कि हम ये बोल रहे हैं कि मेन हम ये बोल रहे हैं कि एलिमेंट है, हम ये बोले एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन का भी पार्ट है, अमीनो एसिड का भी पार्ट है, हॉर्मोन्स का, विटामिन्स का, तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मेन एलिमेंट्स में से एक होता है, कौन, आपका नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ये कई तरीके से जो है वो हम ये बोलते हैं कि यूज में लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू, लेकिन इसको हम ये बोल रहे हैं कि रूट सॉइल के थ्रू लेने का तरीका प्लांट्स का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और हम ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन जो सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, इसके अलावा अगर हम माइक्रोब्स की बात करेंगे तो उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सेल में तो सभी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उन सब का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, उनको रिक्वायरमेंट रहती है उन सब के मेटाबॉलिज्म के लिए नाइट्रोजन के। तो वो चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रोब्स हो, उन सभी के अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वही रहती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है वो एटमोस्फेयर के अंदर भी गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट है, और जितने भी हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म है उन सब में भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि कई, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो भी क्या करती है, एनवायरमेंट की नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट करवाने में हेल्प करती है। इसी के साथ में जो इंडस्ट्रीज हैं उन सब के अंदर भी क्या होता है, जो एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं, उसको भी वो फिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो होती है वो एटमोस्फेयर से ऑर्गेनिज्म में एंड देन सॉइल में एंड देन फिर से एटमोस्फेयर में, इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में वो घूमती रहती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इस पूरे साइकिल को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये सब चीजें क्या हैं, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो देखिए एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, आप जानते हैं नाइट्रोजन जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जो है दो हम बोलते हैं कि इसके एटम्स जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, N2 हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, अब इसको फिक्स कई तरीके से किया जा सकता है। एक तो इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि होता है किसके थ्रू, माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके थ्रू होता है, ठीक है। जैसे इसमें कई तरह के बैक्टीरियाज है जो इसमें हेल्प करते हैं, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास है, और हम ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोबैक्टर है, नोस्टोक, एनाबिना, ये सब भी जो है हम ये बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स जो है वो भी हेल्प करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के अंदर। अब नाइट्रोजन का फिक्स होना का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन के फिक्स होने का मतलब ये हुआ कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ।
इसका इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होता है और इलेक्ट्रिक फिक्सेशन यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। ठीक है, तो देखिए तीन तरीके हैं जिसके थ्रू क्या है नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। अब नाइट्रोजन फिक्स हुई तो वो किसमें फिक्स होगी, किसके अंदर फिक्सेशन वो हो रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं सॉइल के अंदर, है ना। नाइट्रोजन को जो फिक्स किया जा रहा है वो किसमें किया जा रहा है, सॉइल के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि ये साइकिल प्रोसेस है, चलता रहता है। सॉइल जो है वो मेन सोर्स है जहां से मिनरल न्यूट्रिशन मिलते हैं प्लांट्स को, तो ये कहां तक जाएगा, प्लांट्स के अंदर जाएगा। प्लांट्स को अगर हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होता है, वो पहुंच जाता है, यानी कि हमारे पास में सोर्स कौन है उन नाइट्रोजन का, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के थ्रू हम नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया गया, कई तीन तरीके से फिक्स किया है। फिर ये जो इसको अमोनिया में या फिर हम ये बोलते हैं नाइट्राइट या नाइट्राइट और फिर उसके बाद भी नाइट्रेट के फॉर्म में इनको क्या किया जाता है, इनको इनका कन्वर्जन होता है सॉइल के अंदर, जो वो भी क्या है बैक्टीरियल प्रोसेस है, बैक्टीरियाज उनको ये जो है कन्वर्जन का काम करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से फिर हम ये बोले नाइट्राइट में, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यहां से जब ये सॉइल के अंदर नाइट्रेट के फॉर्म में होता है तब हम ये बोल रहे हैं कि इससे सॉइल से क्या किया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है। कौन ले सकता है इसको, प्लांट लेगा, क्योंकि प्लांट वहां पे प्रेजेंट है, वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा तो उसके साथ में उसको ये जो आयंस है ये भी इसको मिलेंगे। दूसरी कंडीशन इसके साथ में क्या हो सकती है कि इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाए और ये जो है फिर वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए और एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाए। तो एक तो इसका ये वापस से क्या हो जाएगा, साइकिल घूम सकता है। दूसरा ये जब वाटर के अंदर वाटर के थ्रू ये प्लांट्स के अंदर चला जाएगा तो ये प्लांट्स में जाने के बाद में फिर देन वहां पर उसका अलग हम ये बोलते हैं भविष्य हो जाएगा। वहां जाने के बाद में हो सकता है कि वो नाइट्रेट देन फिर वहां जाने के बाद में अमीनो एसिड फॉर्म करे अलग अलग तरीके, क्योंकि ज्यादा देर तक तो उसको अमोनिया में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो अमोनिया को एक्विलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि टॉक्सिक होता है अमोनिया। ठीक है, तो उसको अमोनियम आयन के फॉर्म में या फिर अमोनिया के फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, तो अमीनो एसिड जो है उसका फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो अमीनो एसिड के फॉर्म में एंड देन प्रोटीन वगैरह के फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजन जो है वो रहती है प्लांट्स के अंदर। देन देखिए प्लांट्स को हमने खाया तो वो हम में ट्रांसफर होगा, एनिमल जो है पूरे हम बोलते हैं कि किंगडम के अंदर ये जो है ट्रांसफर हो सकता है। प्लांट्स जो है वो डेड हो जाएंगे एंड देन ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे प्लांट्स हम खा गए, तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जब हम बोलते हैं कि डेथ हो जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं, तो जब वहां पर क्या है वापस यही हम बोलते हैं कि जो हमारे बैक्टीरियाज है उनके थ्रू ये जो है जितने भी प्लांट्स हैं वो या फिर एनिमल्स वो भी वही डेड एंड डी के एनिमल्स जो है उनको फिर वापस से क्या होता है उनसे अमोनिफिकेशन होता है एंड देन वो कहाँ पे एंटर करते हैं सॉइल के अंदर वापस से एंटर करते हैं क्योंकि वही एक सोर्स है सॉइल के अंदर जाने का। देन फिर हो सकता है मे बी डीनाइट्रिफिकेशन के साथ एटमोस्फेयर में मिल जाए या फिर सेम वापस इसी प्रोसेस के अंदर साइक्लिक चलते रहे। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो चीजें पढ़ने के लिए है वो कौन कौन सी है, एक तो देखिए अमोनिफिकेशन है, ठीक है, फिर वही नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ नाइट्रिफिकेशन हो रहा है यहाँ डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, तो ये क्या है, इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नाइट्रोजन साइकिल। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं पे भी, ए बी सी डी क्वेश्चन मार्क साइन करके आपसे इस साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अमोनिफिकेशन का मतलब हुआ अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये अमोनिफिकेशन कैसे होगा, तो देखिए जो भी हम ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अमोनिफिकेशन कहाँ हो रहा है, एक तो जो प्लांट है वो डेड उनकी डेथ हो जाती है या फिर एनिमल्स है वो डेथ हो गए फिर वो हमें बोलते हैं कि वो नष्ट होने लगते हैं। देन ये जो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, प्रोटीन जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे एंड देन ये पेप्टाइड्स जो है ये वापस से वही पेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन प्रोसेस हुआ यहाँ पे प्रोटीन से, अभी उल्टा प्रोसेस चल रहा है, हम प्रोटीन से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटीएज एंड पेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड क्या करता है, डीएमिनेशन प्रोसेस होता है। डीएमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि अमीनो एसिड जो होता है ये वाटर की प्रेजेंस के अंदर डीएमिनेज एंजाइम, ये जो कि वाटर के प्रेजेंस में फंक्शनल रहता है, एमिनो एसिड से अमोनिया जो है इसको सेपरेट कर देता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो भी लार्जर सोर्स है, लार्जर सोर्स का मतलब ये हो गया एनिमल एंड प्लांट किंगडम के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर है क्या, अमोनिया किस फॉर्म में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, प्रोटीन के फॉर्म में ही है या फिर अमीनो एसिड के फॉर्म में है। अगर अमीनो एसिड के फॉर्म में होगी तब तो क्या होगा, अमीनो एसिड का वही डीएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर अमोनिया जो है ये बन जाएगा, है ना, तो इसको हमने बोला अमोनिफिकेशन। अगर प्रोटीन के फॉर्म में तो पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ एंड देन वो अमीनो एसिड जो है
वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। तो अमोनिफिकेशन जो है वो क्या होता है, अमोनिफिकेशन का मतलब यही होता है अमोनिया का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन हुआ, अब ये जो अमोनिया है ये अमोनिया क्या रहेगी, अब इस अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होगा। तो कुछ अमोनिया जो है वो वोलेटाइल होती है और कुछ जो होती है हम ये बोल रहे हैं कि वापस री एंटर कर जाती है किसके अंदर, एटमोस्फेयर के अंदर। बट जो अमोनिया होती है जो सॉइल के अंदर गई है, वो अमोनिया जो है ये हम बोल रहे हैं कि जो वहां पे सॉइल में प्रेजेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट जो है फिर वो प्लांट के थ्रू क्या कर लिया जाता है, यूज में ले लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो हम ये बोल रहे हैं अमोनिया है ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगी, वो किसके थ्रू होती है, बैक्टीरियाज के थ्रू होती है। तो ये दो स्टेप के अंदर प्रोसेस होता है। पहले तो क्या होगा, जो अमोनिया है इस अमोनिया का हम ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, नाइट्राइट के अंदर, ठीक है। तब ये नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कौन से बैक्टीरियाज करवाते हैं, ये करवाते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरियाज जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर रखिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं यानी कि एरोबिक यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। फिर हम ये देखिए कि ये जो नाइट्राइट है फिर इसको फर्दर हम ये बोल रहे हैं नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोबैक्टर के थ्रू, ठीक है। तो नाइट्रोबैक्टर जो है वो इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, नाइट्रेट में, ठीक है। तो अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, नाइट्राइट जो है वो नहीं, अमोनिया का नाइट्रेट, यहां से अमोनिया का नाइट्रेट के अंदर जो ये चेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉइल के अंदर जो अमोनिया गई है तो सॉइल में प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, तो वहां पे पहले उसको नाइट्राइट में एंड देन नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर बदला जाता है। और ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया से ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनको अपना फूड तो बनाना है, पर जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये केमिकल जब रिएक्शन हुई ये जो चेंजेस आए इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी ये उसको यूज करते हैं अपने फूड मेकिंग के लिए। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो हम कौन सी सनलाइट जो होती है उसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं फॉर फूड मेकिंग, तो ये इस इन केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को यूज करते हैं फॉर द फूड मेकिंग, इस वजह से ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है बाय द बैक्टीरिया इन टू द सॉइल, ठीक है। तो ये हुआ नाइट्रिफिकेशन। चलिए तो ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये क्या है, कीमोटोट्रॉफ्स होते हैं। अब ये नाइट्रेट जो है ये क्या कर ली जाती है, प्लांट जो है प्लांट्स के थ्रू इसको हमें बोलते हैं कि एब्जॉर्ब कर लिया एब्जॉर्ब कर ली जाती है वाटर के साथ में, एंड फिर ये पत्तियों तक पहुंच जाती है। पत्तियों में जाने के बाद में फिर क्या होता है, पत्तियों में जाने के बाद में फिर ये अपने रिड्यूस फॉर्म यानी कि आ जाती है किसमें, अमोनिया में, एंड देन ये फिर वापस से अपने जो भी अमोनिया से, क्योंकि ये प्लांट में आने के बाद में एक बार फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, एंड देन वो अमोनिया जो है फिर हो सकता है अपने किसी भी सोर्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि अमीनो एसिड फॉर्मेशन, एंड देन अमीनो एसिड से प्रोटीन फॉर्मेशन, फिर आगे उसका फैट जो है वो डिसाइड हो जाता है कि अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हैं तो वो किसी भी तरह के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए बात है कि याद रखिए ये वापस से अमोनिया एक बार और बन रहा है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, बट इस फॉर्म के अंदर इसको स्टोर नहीं रख सकते क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। चलिए डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो नाइट्रेट है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हुआ है उसको नाइट्रोजन में जब कन्वर्जन किया जाता है, एक तो नाइट्रेट को क्या किया सॉइल के थ्रू हमें बोले प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा हो सकता है ये नाइट्रेट जो है ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट मिल जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये डीनाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरियाज के थ्रू होता है, क्योंकि देखिए मिट्टी में है तो मिट्टी के अंदर बैक्टीरियाज है वही ये फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, तो सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस जो है ये जो है डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरियाज है, इसका नाम भी वैसा ही है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, नाइट्रेट को हम बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नाइट्रेट जो है सॉइल में प्रेजेंट, इसके दो भविष्य हैं, या तो प्लांट में जा सकता है अमोनिया में कन्वर्ट होगा प्लांट में जाके, या फिर ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन के अंदर मिक्स हो सकता है। तो तीन स्टेप हुए, आपको पता चला क्या क्या हुआ, अमोनिफिकेशन हुआ, देन नाइट्रिफिकेशन हुआ, एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये हो गया जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, मैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन की बात नहीं कर रही हूं, मैं एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसकी बात कर रही हूं, तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किसके अंदर, उसको फिक्स करना, हम ये बोल रहे हैं कि उसको जो है फिक्स करना यानी कि उसका हम ये बोल रहे हैं कि अमोनिया का फॉर्मेशन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं।
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये हो गया कि ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका ये जो फिक्स है अमोनिया में जो कन्वर्जन है ये कन्वर्ट जो कर रही है ये कौन करते हैं, ये कुछ हमें बोले प्रोकैरियोट्स करते हैं, इसीलिए इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन फिक्स जो है वो ये जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन जो गैस हमें बोले एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होना जो है ये एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है, और वो कौन सा एंजाइम है जो ये फंक्शन करवाता है, ये फंक्शन करवाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, नाइट्रोजन का रिडक्शन कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करता है, यानी कि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एनोरोबिक एनवायरमेंट के अंदर ये काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोला है, समझ में आया, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हुआ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होना, इसको बोला है प्रोकैरियोट्स के थ्रू ये होता है। ठीक है, अभी कौन कौन से प्रोकैरियोट्स है जो ये काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ फ्री लिविंग हम बोल रहे हैं माइक्रोब्स है, एरोबिक में अगर ये तो मोनेरन्स में देखिए एजेटोबैक्टर जो है ये काम कर रहे हैं, एनोरेबिक में अगर देखें तो रोडोस्पायरुलम जो है बैसिलस जो है वो काम कर रहे हैं, और साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एंड नोस्टो ये भी क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम जो कि प्लांट्स के साथ में रह रहे हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर प्लांट्स के अंदर राइजोबियम रहते हैं जो क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और लेग्यूमिनेसी के अलावा जो प्लांट्स हैं उनके लिए फ्रेंकिया ये काम करता है, ये फिलामेंटस होते हैं जो लेग्यूमिनेसी को छोड़ दें उसके अलावा जो है जितने भी प्लांट्स उनके लिए ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, तो कुछ सिम्बायोटिक हो सकते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब वो प्लांट के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे, इन्हें नोड्यूल वगैरह फॉर्म करेंगे, तो लेग्यूमिनेसी के अंदर नोड्यूलेटेड रूट मिलती है, उसका रीजन क्या होता है क्योंकि वहां पे ये जो बोलते नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो बैक्टीरिया है वो वहां पे नोड्यूल फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, राइजोबियम जो है वो वहां पे क्या करता है नोड्यूल फॉर्म करता है, और नोड्यूल क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना क्लियर कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। अभी देखिए लेग्यूम्स में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये रूट है, ठीक है, रूट के अंदर रूट हेयर है, सॉइल पार्टिकल्स है, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरियाज अपनी ग्रोथ शो करते हैं, तो ये जो रूट हेयर होते हैं ये हुक लाइक हो गए और यहां से ये एंटर करते हैं थ्रेड और किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर जाते हैं। टिश्यूज में जाने के बाद में वहां पे हमें बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन होता है जो वहां पे प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होती है उसको वहां से हटाने का काम करता है, एनोरोबिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, और उसकी वजह से इन नोड्यूल्स के अंदर जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है उसके लिए एक रिएक्शन है। कितने एटीपी जो है इसके ऊपर लगाए जाते हैं, तो वो होते हैं 16 ATP। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इस रिएक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो है ध्यान ही नहीं देते हैं। तो नाइट्रोजन का जब अमोनिया एक जो है आपका देखिए यहाँ पे N2 है ना, दो मोलिक्यूल है, तो इतने ही क्या बनेंगे यहाँ पे दो मोलिक्यूल बनेंगे किसके, सॉरी दो यहाँ पे एटम है ना, तो यहाँ पे दो मोलिक्यूल बनेंगे किसके, अमोनिया के। ठीक है, एक से तो कितने क्या क्या चीजें एक्सपेंड हो रही है, 8 हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 16 ATP जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं जिसका ये यूटिलाइज कर रहे हैं नाइट्रोजन जो होती है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवाने में। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कितनी ATP का यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस रिएक्शन को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है, वही देखिए एंजाइम है कौन सा नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजिनेज जो है वही सब्सट्रेट यहाँ पे आके जुड़ा, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है प्रोटॉन का जुड़ना, तो प्रोटॉन जो है वो जुड़ गए किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, फॉर्मेशन हुआ किसका, अमोनिया का, एंड देन जब अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अमोनिया अलग हो जाएगी, एंजाइम अलग हो जाएंगे, तो ये जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये एनएरोबिक होता है, यानी कि यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन रहती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन की सप्लाई मिले तो वो फंक्शनल नहीं रहेगा। नोड्यूल रेड कलर के नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वहां पे रेड कलर डेवलप होता है, और ये करता क्या है, ये वहां पे प्रेजेंट ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट जितनी भी सेल्स हैं उन सबको ऑक्सीजन तो वहां पे होगी, तो वहां पे एनोरोबिक एनवायरमेंट क्रिएट करने का काम करता है कौन, लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अभी अमोनिया का क्या होगा, अमोनिया के फॉर्म में तो देखिए अमोनिया को स्टोर नहीं किया जा सकता, अमोनियम आयन के फॉर्म में भी नहीं स्टोर कर सकते, रीजन क्योंकि टॉक्सिक होते हैं ये मोलिक्यूल, तो इनका क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए रिडक्टिव एमिनेशन हो सकता है। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब ये हो गया कि ये जो है एमिनो एसिड फॉर्म कर लेंगे, जैसे ग्लूटामेट जो है उसका फॉर्मेशन किया, तो अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड जो होता है वो अमोनियम आयन के साथ में
ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकला और NADP जो है उसका हमें बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन हुआ। ट्रांस एमिनेशन का मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड हम बोलते हैं कि एक बोलते हैं सबस्ट्रेट से फंक्शनल ग्रुप को हटा के दूसरे सबस्ट्रेट को फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल ये अमीनो डोनर है तो ये अपना अमीनो ग्रुप जो है वो किसको डोनेट कर देगा, दूसरे एक्सेप्टर को। तो एक्सेप्टर को दिया तो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड जो है उसमें कन्वर्जन का काम जो है वो हो सकता है। तो ट्रांस हम ये बोल रहे हैं एमिनेशन, ये प्रोसेस परफॉर्म हो सकता है। तो वही है, अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन किया, अमोनिया के प्रेजेंस में एमिनो एसिड ही फॉर्म हुआ है। यहाँ पर भी अमीनो एसिड फॉर्म हो रहा है बट यहाँ पर ट्रांसफर रिएक्शन हो रही है, एक सबस्ट्रेट से अमीनो ग्रुप जो है वो दूसरे सबस्ट्रेट जो कि एक्सेप्टर है उसको ट्रांसफर किया जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप का बनता है। अब डिफरेंट टाइप का कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे देखिए R1 लिखा है और यहाँ पे R2 लिखा है। R1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे चेन जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो इन्होंने दे ही दिया है, सॉरी ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए NH3, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ NH3 अगर होगा तभी तो अमोनिया का ट्रांसफर होगा ना, तो ये अमोनिया ट्रांसफर तो तभी कर पाएंगे। यहाँ NH3 है, मैं कर देती हूँ अमोनिया। तो देखिए यहाँ पे R1 है तो ये क्या है, ग्लाइसिन है। ये अगर अमीनो डोनर है तो ये क्या करेगा, अपना अमीनो इसको ट्रांसफर कर देगा, ये अमीनो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो फॉर्मेशन हो गया किसका, एलानिन का फॉर्मेशन हो गया। तो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में जो कन्वर्जन है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया अमोनिया, हम ये बोले अमोनिया का भविष्य। अमोनिया का भविष्य यही होता है कि अमोनिया जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि फॉर्म करते हैं किसको, अमीनो एसिड्स को, एंड देन अमीनो एसिड से प्रोटीन्स को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और अब है आपके फॉलोअप क्वेश्चंस। चलिए ये आपके फॉलोअप क्वेश्चंस, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। कुछ और फॉलोअप क्वेश्चंस भी है आप लोगों के लिए, ये देखिए फ्लो चार्ट आप लोगों के NCERT के अंदर दिए गए हैं, आप लोग गौर ही नहीं करते हैं इन लोगों को। अगर ये चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक टॉपिक पूरा अच्छे से समझ जाते हैं। आज अगर अच्छे से वीडियो देखा है तो इन सब क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए इनके आंसर्स, और मुझे पता भी इसके साथ चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।